तो वहां पर ये जो पैसा है वो चीजों को नहीं रोक पाया और वो तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहां कॉमर्शियल इंटरेस्ट आप बता रहे हैं कि कुछ इस तरीके के हो गए हैं कि जो सांप और नेवला है वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ा गड़बड़ झाला है और समझ में ना आने वाली जैसी। रणंजय, क्या आप समझ पाए इस बात को? बिल्कुल नहीं। दिनेश जी, जहां तक इसराइल की बात है तो इसराइल का संबंध अजरबैजान के साथ प्योरली कमर्शियल है, क्योंकि ये जितना भी आप ड्रोन देख रहे हैं, ड्रोन इसराइल ने उनको सप्लाई किया हुआ है अजरबैजान को। और ईरान की जहां तक बात कर रहे हैं, ईरान ने जो अपनी सेना खड़ी की है बॉर्डर पे, उन्होंने इसलिए नहीं खड़ी की है कि उन्हें किसी को सपोर्ट करना है, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी सेना खड़ी की है। क्योंकि आईसिस और सीरिया और लीबिया से उन्होंने आईसिस मर्सिनरीज को सप्लाई किया है इस वॉर में आर्मेनिया के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अजरबैजान ने बहुत बड़ा एक ब्लंडर किया है इस डिसीजन को लेके, क्योंकि आईसिस के लड़ाकू जहां भी जाते हैं वो जल्दी जाएंगे नहीं वापस, और ये न्यूएंसेस शुरू हो चुके हैं अजरबैजान में लोकली रिपोर्ट्स के हिसाब से। और इसके कारण ईरान चाहता नहीं है कि आईसिस के आतंकवादी ईरान में एंट्री करें अजरबैजान के रास्ते, तो उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है। और इसके लिए उन्होंने आर्मेनिया को एक, क्योंकि और जहां तक आप बोल रहे हैं आर्मेनिया और ईरान के बीच का जो मिलिट्री सप्लाई हो रहा है वो बेसिकली रशिया का सप्लाई है, जिसको जॉर्जिया ने रोक दिया था, क्योंकि वो जब जॉर्जिया की तरफ से आ रही थी तो जॉर्जिया ने रशिया को कहा कि आप हमारे रास्ते ये सप्लाई नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए रशिया ने वो सप्लाई ईरान के रास्ते आर्मेनिया में की। और बड़ा कमाल का इनसाइट दिया आपने रणंजय, ये और कमाल का इनसाइट दिया आपने। एक प्रॉपर्टी दो दो के नाम, बिल्डर ने सौंपे जर्जर मकान, लखनऊ में करोड़ों का खेल, सरकार चुप, सिस्टम फेल। देखिए लूट घर रात 9:30 बजे।